जो हमें एक बार इग्नोर करता है उन्हें हम जिंदगी भर के लिए इग्नोर कर देते हैं और इससे उन्हें उनकी औकात ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें इग्नोर करते हैं। अगर कोई हमें इग्नोर करे तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे कि गिरगिराकर उसे मना लो, लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो उसकी आदत बन जाएगी, वो बार बार ऐसा करेगा, तो उसको उसकी औकात याद दिलानी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको तीन ऐसी बातें बताएंगे, अगर कोई इग्नोर करे तो इन तीन बातों को फॉलो कर लेना। पॉइंट नंबर 1, गेट बिजी विथ योर वर्क। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो वो जानबूझकर ही करेगा, क्योंकि कोई किसी को इग्नोर अनजाने में तो करता ही नहीं है। सो आपको पता है कि वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्यों उसको परेशान करना? आप भी बिजी हो जाओ अपने काम में, काम करो। अपने काम में इस तरह बिजी हो जाओ कि आपको याद ही ना आए कि किसने आपको इग्नोर किया, किसने नहीं किया, आपको फर्क ही ना पड़े। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी में जाता हूँ और कोई इंसान जो मुझे जानता है और इग्नोर करता है, तो क्या हो गया? मैं अकेले ही तूफान, तू निकल, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। मान लो कोई इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है, उससे बात किए बिना आपका मन नहीं लगता है, उससे बकरोदी किए बिना आपकी जिंदगी नहीं कटती है और वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो क्या हो गया? सिंपल, रिश्ता तो उसको भी रखना है ना, आपको ही थोड़ी रखना है अकेले। जो काम कर रहे हो वो करो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, वीडियोस बना रहे हो वीडियोस बनाओ, जॉब कर रहे हो जॉब करो, काम करो, मत सोचो उसके बारे में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, लाइफ में बहुत से लोग आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन आपको चिल लाइफ वाला फॉर्मूला सीख लेना पड़ेगा। चिल लाइफ वाला फॉर्मूला ये है कि अभी उसको इग्नोर करने का मन है, इग्नोर करने का मजा ले रहा है, छोटा बच्चा है, गुंडाई करना चाहता है, करने दो, जब अकल ठिकाने आएगी खुद ही आएगा, और अगर नहीं आएगा तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क नहीं पड़ता तो सिर्फ आपको ही फर्क क्यों पड़ रहा है? सिंपल सा 10 काम का लिस्ट बनाओ, काम धंधे में लग जाओ, सारे टारगेट्स पूरा करो, डोपामिन रिलीज होगा, खुशी मिलेगी खुद ही में। ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा जिंदगी में, शेर की तरह जियोगे। और सबसे बड़ी बात, हमेशा ध्यान रखना, ये काम ही है जो हमेशा बाहें खोलकर स्वागत करेगी आपकी, यानी ये आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेगी और रिवार्ड अलग से देगी। पॉइंट नंबर 2, शो योर वैल्यू। अगर कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो ये सोचकर करता है कि आप उसे रिस्पॉन्स दोगे, लेकिन अगर आप उसे रिस्पॉन्स नहीं देते तो हार कर कभी ना कभी आएगा ही, और अगर फिर भी नहीं आता है जबकि आपकी कोई गलती ही नहीं है, देन सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि उस इंसान के लाइफ में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसके साथ रह के भी आप क्या कर लोगे? ऑलवेज रिमेंबर, नो रिएक्शन इज बेस्ट रिएक्शन। मैंने कई ऐसे नमूनों को देखा है जिनको पापा डांट दे, जीभ से बात ना हो, फ्रेंड इग्नोर करे, मम्मी धनिया लाने बोल दे, हर छोटी से छोटी बात पर सैड स्टेटस लगाना शुरू, की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया को पता चल जाती है कि बेटा जी को कहीं ना कहीं तो लात पड़ी है, और इसलिए स्टेटस पर आकर गिरगिरा रहे हैं। मतलब ऐसे लोग शो क्या करना चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा हीरो हैं? पूरी दुनिया उनको सबसे ज्यादा चोमो समझती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जैसे कोई उनको इग्नोर करता है तुरंत सैड स्टेटस लगाएंगे, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैंने सोचा अगर तुम हो तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं, हाय दैया। मेरे कॉन्टैक्ट में कोई भी इंसान जो सैड स्टेटस लगाता है, सबसे पहले मैं उसको जाके म्यूट करता हूँ। सो द कॉन्सेप्ट इज, कभी भी सैड स्टेटस तो मत ही लगाना, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नो रिएक्शन इज बेस्ट रिएक्शन। जब तुम दिखाओगे ही नहीं कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है सामने वाले के इग्नोर करने से, जब तुम थोड़ा सा भी शो नहीं करोगे कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, तुम थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करोगे, तो सामने वाला अंत में खुद ही हार कर तुम्हें अप्रोच करेगा एंड देन तुम्हें इग्नोर करना है। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है मतलब वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है, इरिटेट हो रहा है तुमसे, तो उस इंसान को डिस्टर्ब करने का ही नहीं, पहला तो ये, एंड दूसरा अगर वो आता भी है ना, थोड़ा भाव खाओ भाई। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इग्नोर करेगा भी और ऊपर से हम तुरंत चले भी जाएं, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करने के बाद क्या फील होता है उसको भी तो स्वाद लगना चाहिए ना। कोई भी हो, कितना भी क्लोज हो, याद रखना उसको भी उतना ही इग्नोर करना है जितना उसने किया है। अब बहुत लोगों में हिम्मत ही नहीं होगी कि वो सामने वाले को इग्नोर कर पाएंगे, वो सोचेंगे मेरे से तो नहीं होगा इग्नोर करना, और उसने मुझे इग्नोर किया कौन सी बड़ी बात है, मैं तो पैदा ही इग्नोर होने के लिए हुआ। पैदा हुआ, नर्स ने इग्नोर कर दिया, शकल देख के मम्मी ने इग्नोर कर दिया,
स्कूल गया, टीचर्स ने इग्नोर कर दिया, क्लासरूम में क्रश से इग्नोर हुआ, अभी भी इग्नोर हो रहा हूँ। और अगर सच में कोई इंसान ऐसा सोचता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, देन वो ऐसे ही इग्नोर होते रहेगा होते रहेगा। लेकिन जो इंसान सच में समझता है कि उसकी वैल्यू है, तो इग्नोर करेगा, वो अपने इमोशंस पर काबू करेगा और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ अगर आपने अपने इमोशन पर कंट्रोल रख के सामने वाले को इग्नोर कर दिया, चाहे कोई भी हो, मिलियनर बिलियनर ही क्यों ना हो, उसको इग्नोर कर दिया, तो उसको उसकी औकात समझ आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3, शो यू आर हैप्पी। देखो, अगर आप ये शो करोगे कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो उसके बिना, आपका दिन ही नहीं कट रहा है उसके बिना, आप पूरी तरह से मर जाओगे उसके बिना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर एक इंसान आपके साथ वही करेगा। लेकिन अगर आप ये शो करते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी ज़िंदगी में उसके बिना भी, तो कोई भी आपको इग्नोर करने से डरेगा। कभी भी किसी से ये शिकायत मत करो कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ऐसा अगर आप करते हो तो सामने वाले को ये समझ आ जाता है कि आपका जो इमोशन है वो उस पर डिपेंड है। भले वो उस टाइम रुक जाए, लेकिन जब भी उसको आपको सैड करवाना होगा, वो आपको इग्नोर करने लगेगा। अगर कोई इंसान इग्नोर भी करे तो खुश रहो और शो करो कि आप खुश हो। इससे दो फायदे होंगे। पहला, खुश रहोगे, काम करोगे, ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, और यही इम्पॉर्टेंट भी है। एंड दूसरा, सामने वाले को समझ आ जाएगा कि इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से, मैं इसकी लाइफ में रहूँ ना रहूँ, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक अलग इम्पैक्ट देती है। सामने वाले को समझ आ जाता है कि ये ना अकेले में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अकेले में ही ये खुश है, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मुझे रहना चाहिए, मुझे कुछ सीखना चाहिए। ऐसे में सामने वाला इंसान आपके पीछे भागने लगेगा, क्योंकि उसको समझ आएगा ये बहुत मस्त इंसान है। एक मेरा दोस्त है, वो ना किसी को कॉल मैसेज कभी भी नहीं करता। वो हमेशा अपनी कंपनी ज़्यादा इन्जॉय करता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वो हमेशा सीखता रहता है, जिस वजह से उसका नॉलेज हर चीज़ में है, और इसलिए कोई भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता। लोग सोचते हैं कि अगर मैं इसे इग्नोर करूँगा तो ये तो पत्थर दिल है, वैसे भी कॉल वॉल नहीं करेगा, लेकिन मैं इसे इग्नोर करूँगा तो मेरा बहुत घाटा है, बहुत नुकसान होगा। क्योंकि सबको पता है ये अकेले खुश है और अकेले ये बहुत नॉलेजबल है, इसके साथ अगर मैं रहता हूँ तो मेरा बहुत फ़ायदा होने वाला है, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो ऐसा एटीट्यूड हर किसी के अंदर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को कॉल मैसेज ही मत करो, कर सकते हो, बट ऐसा एटीट्यूड रखो कि कोई इंसान आपको इग्नोर ही ना कर पाए। और अगर इग्नोर भी करे तो आप इतने पत्थर दिल हो कि आपको घंटा फर्क ना पड़े और सामने वाला खुद हार के आ जाए। बाकी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, एडवाइस चाहिए, मेंटोरशिप की ज़रूरत है, तो आप मुझे catchyourmentor.com पर बुक कर सकते हो। वहाँ मैंने प्रोफाइल बना रखा है, वहाँ पर आप मुझे बुक करके ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो मेरे साथ, एंड आपके प्रॉब्लम को मैं पर्सनली सॉल्व करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।